बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 2। आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिसिटी। जैसा कि चैप्टर का नाम ही पीरियोडिसिटी है, तो ये आप लाजमी समझें पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन क्या है। रिकरेंस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवेल। हमारे पास दो बातें हो रही हैं, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी रेगुलर इंटरवल। केमिस्ट्री में हम दो किस्म की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। चैप्टर नंबर 1 में केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिटेल में बात हुई है। अभी रेगुलर इंटरवल क्या है? अनासिर की खसूसियात का वक्फे वक्फे से जाहिर होना रेगुलर इंटरवल, यानी ये क्या कहलाता है? पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है। यहाँ इंटरवल से मुराद टाइम नहीं है, यहाँ इंटरवल से मुराद हर चौथे पांचवें मिनट के बाद खसूसियात का इजहार है, इसी को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। जैसा कि चैप्टर का नाम भी पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन या मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन मार्च 1869 रशियन केमिस्ट अरेंज द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासिस या एटॉमिक वेट कह दीजिए। 1869 में दिमित्री मेंडलीव रशियन साइंसदान थे, उन्होंने अनासिर को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया। एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर पर मैंने एक वीडियो चैप्टर नंबर 3 में आइसोटॉप्स वाले लेक्चर में बनाई है, डिटेल में बनाई है, ज़रा देख लीजिएगा। अब मेंडलीव की क्लासिफिकेशन या लॉ देख लेते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक वेट या मास। मेंडलीव के मुताबिक अनासिर के प्रॉपर्टीज या खसूसियात उनके एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं, उन पर मुनसिर होती हैं। आजकल जो हम पीरियडिक टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं वो मोजले का पीरियडिक टेबल है, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, लिंक मैं दे दूंगा इसका। लेकिन 1869 में मेंडलीव ने पीरियडिक टेबल अरेंज किया था वो एटॉमिक वेट की बुनियाद पर था। आज जो हम पीरियडिक टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं वो मोजले का पीरियडिक टेबल है, लेकिन इससे पहले मेंडलीव ने पीरियडिक टेबल बनाया था जिसकी बुनियाद एटॉमिक मास पर थी या एटॉमिक वेट पर थी। मेंडलीव ने भी अपने पीरियडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहा था और रोस को सीरीज कहा था, पीरियड नहीं कहा था, जबकि आज पीरियड कहलाते हैं। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में या मोजले के पीरियडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोस को पीरियड कहते हैं और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहते हैं, जबकि मेंडलीव ने वर्टिकल कॉलम्स को तो ग्रुप का नाम दिया, जबकि हॉरिजॉन्टल रोस को उफ़ की कतारों को उसने सीरीज का नाम दिया। मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स तो 8 थे जबकि हॉरिजॉन्टल रोस 12 थी, 12 थी। 9th क्लास की बुक में पेज नंबर 61 पर आप मेंडलीव के पीरियडिक टेबल की डायग्राम देख सकते हैं, मैं थंबनेल में भी लगा। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल, मेंडलीव के पीरियडिक टेबल की कुछ खसूसियात। तो पहले इसकी फीचर क्या है? इट हैज 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स एंड 12 हॉरिजॉन्टल रोस कॉल्ड पीरियड्स। मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स थे और 12 हॉरिजॉन्टल रोस, इसको वर्टिकल कॉलम कहते हैं, जबकि ये लाइनें हमारे पास रॉस कहलाती हैं, हॉरिजॉन्टल रॉस। नंबर 2 देखिए, एलिमेंट इन ईच वर्टिकल कॉलम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। नंबर 3 देखिए, वैकेंट स्पेसेस वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर अंटिल देन। जो एलिमेंट्स उस वक्त दरियाफ्त नहीं हुए थे उनके लिए मेंडलीव ने खाली जगह छोड़ दी इस तरीके से। नंबर 4 देखिए, द ग्रुप नंबर इंडिकेट द हाइएस्ट वैलेंस डेट कैन बी अटेंड बाय एलिमेंट्स ऑफ डेट ग्रुप। वैलेंस मीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एटम का लास्ट शेल, आखिरी शेल किसी एटम का वैलेंस शेल कहलाता है। तो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के तादाद को ही मेंडलीव ने ग्रुप का नाम दिया। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो मेंडलीव ने उसे ग्रुप 4 में रख दिया। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस
और डिफेक्ट्स डिस्कस करेंगे।